दोस्तों, बीएससी पावर कंपनी का इलेक्ट्रिक चेंसो मशीन बहुत ही अच्छे है। तो क्यों अच्छा है आपके साथ शेयर करते हैं। मशीन मेरे पास रिपेयर करने लेके आया है। मशीन को हम सीरीज में टेस्ट करते हैं, उसके बाद डायलर में चला लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करते हैं। দেরি আছে, এটা প্রবলেম। আর এই মালটা খুলে গেছে, মোবিলটা ফাটছে বিড়া। मशीन में दो प्रॉब्लम है। आगे वाला एक पत्ती ओपन हो गया है, इसमें क्या हुआ है देखना है। और इसमें ऑयल लीकेज हो रहा है, तो ऑयल लीकेज प्रॉब्लम को हमें ठीक करना है। तो ये मशीन ओपन करने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। ये मशीन बहुत ही अच्छे हैं। अभी तक जितने भी आपने चेंसो मशीन देखे हैं, सबसे अलग ये मशीन तैयार किया है। और इसमें फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छे हैं। इसमें आपको कार्बन होल्डर स्प्रिंग आपको अलग देखने को मिलेंगे। आपको इसमें 600 801 एंगल ग्राइंडर में जैसे स्प्रिंग फिटिंग रहते हैं, आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही अच्छे तैयार किए हैं। देखिए इसमें फिटिंग्स जो है ना, बहुत ही अच्छे हैं। तो आपके साथ शेयर करते हैं। आपको एक अच्छा वाला चेंसो मशीन खरीदना है तो हेवी ड्यूटी वर्क के लिए बहुत ही अच्छे मशीन है, आप खरीद सकते हो। बहुत ही अच्छे, इसमें आपको चेन एडजस्ट जो होता है ना, चेन एडजस्ट करके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर से आपको टाइट करना पड़ता है। इसमें ऐसे नहीं है, इसमें फिटिंग्स भी थोड़ा अलग है। और इसमें जो ऑयल पंप सिस्टम है ना, इसमें ऑयल पंप मोटर दिए है, गियर से इसमें कनेक्शन है। जो फिटिंग्स होता है सबसे अलग है। ये बहुत ही अच्छे मशीन है। आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भी ये मशीन अच्छे लगेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो मशीन को हम ओपन करते हैं, धीरे धीरे आपके साथ शेयर करते हैं। आपके पास कोई भी नया मशीन लेके आता है, आप पहले कभी ओपन नहीं किए, तो आपको सभी पेयर पास अच्छे से देखना है। बॉडी का मैंने स्क्रू ओपन करने के बाद मैंने सोचा इसमें हैंडल कवर हम ओपन कर लेते हैं, इसमें स्क्रू हो सकता है, जद्दोजहदी करने पर एक टूट सकता है। तो कवर को हम ओपन करके देखते हैं। ओपन करने के बाद देखा इसमें स्क्रू नहीं है, तो हम हाथों से पकड़ के धीरे धीरे करके लकड़ी से टक्कर मार के इसको ओपन कर लेते हैं। मशीन को हम धीरे धीरे करके सभी पेयर पार्ट्स को ओपन करते हैं। हमें इसमें गियर बॉक्स ओपन करना है, तो ऑयल चेम्बर हमें खोल के इसमें चेक करना है, इसमें ऑयल क्यों लीक हो रहा है। तो सभी पेयर पार्ट्स को धीरे धीरे हम ओपन करते हैं। तो आपके साथ शेयर करते हैं। आपके पास नया मशीन लेके आता है, सभी पेयर पार्ट्स को आपको अच्छे से देखना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे करके सभी पेयर पार्ट्स को ओपन करना है। घाट ओपन करने के बाद फ्यूल कॉइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें फ्यूल कॉइल बहुत ही अच्छे दिए हैं और थोड़ा हेवी भी है। इसमें बैरिंग का साइज थोड़ा हेवी आपको देखने को मिलेंगे, 18 इंची। इलेक्ट्रिक चेंसो मशीन, इसमें आर्मेचर भी बहुत ही अच्छे हैं। बैरिंग प्ले नहीं है, तो हम धीरे धीरे करके ओपन कर लेते हैं। हम कवर को ओपन कर लेते हैं, तो आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। देखिए चेन एडजस्ट बहुत ही आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। देखिए हाथों से हम ऐसे घुमाने पर इसमें एडजस्ट हो रहा है, तो आप बाहर से आप एडजस्ट कर सकते हो। दूसरे जो मशीन होता है उसमें आपको आगे आपको स्क्रू ड्राइवर से आपको टाइट करने पर टाइट होता है। इसमें जो फिटिंग्स होता है, बहुत मशीन से आपको जो फिटिंग्स होता है ना, फाइबर देखने को मिलते हैं। इसमें फाइबर नहीं है, इसमें आपको उसमें एक गियर देखने को मिलते हैं, गियर आपको लोहे का देखने को मिलेंगे। बहुत ही अच्छे फिटिंग है। देखिए इसमें आपको गियर
लोहे का देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छे कंपनी तैयार किया, ये भी आपको खरीदने को मिलते हैं। तो इसमें आपको ग्रीसिंग कर लेना है, थोड़ा साफ सफा करने के बाद हम इसमें ग्रीसिंग कर लेते हैं। गियर बॉक्स को हमें ओपन करना है, तो धीरे धीरे करके हमें ओपन करना है सभी पेयर पास को, हमें अच्छे से देखना है। और गियर बॉक्स को जबरदस्ती आपको टक्कर मार के ओपन नहीं करना है, तो उसको स्क्रू ओपन करने के बाद लकड़ी से टक्कर मार के आपको देखना है। तो बहुत ही ज़्यादा जैम है, हम धीरे ओपन कर लेते हैं। बड़े से स्क्रू ओपन हो गया, दूसरे स्क्रू बड़े से ओपन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। तो हम कैसे ओपन करें आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए इसमें ओपन हो गया, ये बड़े से ओपन हो गया है, तो आपको ऐसे ही खोल लेना है। ठीक है, गियर ओपन हो गया है तो हमें इसमें इसको ओपन करना है। तो इसमें हमें कुछ डालना है, खोलना है, क्या करना है देखते हैं इसमें क्या। इस चेम्बर से लीकेज हो रहा है, देखिए ऑयल लीकेज हो रहा है, तो ऑयल कैन इसको बाहर हो गया है। जो कैन है ना, कैन का जो पाइप सिस्टम है, इसमें कुछ खराब हो गया है। क्या खराब हुआ है मैं देख रहा है, इसको ओपन करना है सारा, लीकेज हो रहा है, तेल बाहर आ रहा है, तेल बाहर आ रहा है, तेल अंदर से नहीं जा रहा है, तेल लीकेज हो रहा है। इसमें तेल चेम्बर से तेल नहीं, पंप नहीं हो रहा है शायद इसमें। देखिए इसमें जब क्या हुआ है, देखिए ना इसमें तेल शायद पम्प नहीं हो रहा है, तेल लीकेज हो रहा है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है, तेल बहुत ज़्यादा अंदर जा रहा है। तो क्या हुआ है हमें चेक करना है, तेल पम्प क्यों नहीं हो रहा है, तेल कहाँ से गड़बड़ हुआ है। तो गियर बॉक्स हमें खोलना है, गियर इसमें प्ले है शायद, गियर प्ले है तो इसमें ओपन हो जाएगा, गियर प्ले है ना। देखिए इसमें जो गियर बॉक्स है ना, ये थोड़ा गियर प्ले है, तो इसको खोलना है ना। देखिए चेन सो मशीन है, जहाँ पे चेन फिटिंग रहता है उसमें जो बोल्ट होता है ना, कैसे फिटिंग होता है, बहुत ही अच्छे से फिटिंग दिए है। इसमें स्टैग आप ओपन कर पाओगे, टीवीएस का स्टैग इसमें फिट कर सकते हो, टीवीएस वाला स्टैग नहीं है तो इसमें आप टीवीएस वाला स्टैग फिट कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, इसमें आपको थ्रेड होता है, इसमें आपको पुश होता है, आप
ऐसे बाहर नहीं कर पाओगे, इसमें बहुत ही अच्छे से आपको फिटिंग्स दिए हैं, आप इसमें स्टैग भी चेंज कर पाओगे। तो ऐसे इसको फिटिंग रहता है, पीछे से फाइबर से लॉक रहते हैं। गियर को हम ओपन कर लेते हैं, इसमें सर्किल पे हमें ओपन करना है, आपके साथ शेयर करते हैं। आप सर्किल को थोड़ा बड़ा कर लेना, उसके बाद धीरे से ओपन कर लेना। इसमें गियर थोड़ा चाबी से फिटिंग है, थोड़ा प्ले है, बढ़िया से ओपन हो जाएगा। সার ক্লিপ ওপেন হয়ে গেছে, ঠিক আছে, বড় চাবি, ঠিক আছে, এটা হালকা করে টানলেও বেরিয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে, দেখাচ্ছি, না টানলে বেরিয়ে গেছে, দেখো, ঠিক আছে, ইজি বেরিয়ে গেছে, চাবিও বেরিয়ে গেছে, ঠিক আছে, ইজি। এবং এখানে দেখতে হবে ফাংশন কী আছে, এটা পুরোটা খোলা যায়, খুলে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এখানে নাট আছে, পাইপটা কোথাও জ্যাম হয়ে গেছে, পাইপটা এমন যে কালো পুরো মোবাইল দিয়ে জ্যাম করে দিয়েছে, পুরো মোবাইলের জন্য পুরো মোবাইলটা ছেঁকে দিতে হয়, সে ছেঁকে দিয়ে আর না হওয়ার জন্য এই সমস্যাটা হয়েছে। দেখো এখানে পাম্প সেক্টর, এটা পাম্প, ঠিক আছে, এটা ঘুরলে, এটা ঘুরলে এটা ঘুরে, এই যে ঘুরে ঘুরে নি, দেখো না ঘুরছে 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 ঘুরছে, এটা দেখো ঘুরছে, এটা পাম্প সেক্টরটা, ঠিক আছে, এটা 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 ভিতরে একটা পাম্প নজল আছে, এটা কাজ করে, আর এই পাম্প নজল মধ্যে জাম হয়ে গেছে কোথাও, দেখুন দেখুন, এই যে ঠিক আছে, এটা জাম হওয়ার জন্য তেল বেরিয়ে যাচ্ছে, এবার কি হয়েছে খুলে দেখছি, পাম্প নজল, ঠিক আছে, এটা পাম্প নজল সেক্টর, পুরো সেক্টরটা খুলছি, খুলে খুলে যাবে কি হয়েছে, সে করে দেবো, অসুবিধা নেই, ফাংশন যখন আছে সে হয়ে যাবে, অসুবিধা কিছু হবে না। এটা দিকে তেল লিক করছে, তেল লিক করলেই বেরিয়ে যাচ্ছে মা, এই দেখো এইখানে পাইপ, এখানে তো তেল এখানে বেরিয়ে যাচ্ছে, তেল লিকাই ঠিক আছে, এখানটা ক্যান ঠিক আছে, এত দূর পর্যন্ত ক্যান আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি, তারপরে এটা তেল, ওইখানে মোবিল লিক করছে, এখান থেকে চারদিকে তেল ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, তো আমরা এটাই ঠিক করতে হবে, তেল লিকেজ আর এখানে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই এটা দিয়ে তেল বেরাবে, এটা পাম্প, ঠিক আছে, এটা আছে মোটর আর এটা পাম্প, এই যে পাম্প, এই পাম্প মোটর দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে পাম্প, এই যে গিয়ার, ঠিক আছে, আর এইখানে কিছু করছে, এটা পাইপে লিকেজ হচ্ছে, নচেত আর কি হতে পারে, পাইপেই হয়তো আশা করি লিকেজ করছে কোথাও, দেখুন ওইখানটাও তো লিকেজ করছে, ওই তেল বেরাচ্ছে, দেখো পাম্প করলে তেল বেরাচ্ছে, এই তেল যাচ্ছে, ঠিক আছে, প্রেসার দিলে বেরাবে, ঠিক আছে, তো এটা পাম্প কাজ করছে, তাহলে এইখান থেকে কোথাও তেল লিক করছে, যেখান থেকে লিক করছে সেই লিকটাকে বন্ধ করতে হবে, লিকটা বন্ধ করতে, বলে এইখানটা থেকে লিক করবে, এই জায়গাটা মনে হচ্ছে ঢিলা আছে, ওই জায়গাটাও লিক করছে, ওই যে এখানটা পাক, এইটা ঢিলা মনে হচ্ছে, এইটা ঢিলা, এটা থেকে লিক করছে, দেখুন টাইট নেই,
ঠিক আছে আসার এইখানটাও তো লিক করছে যে ওইখান থেকে লিক হচ্ছে ওখান থেকে চারদিকে বেরিয়েছে উপর থেকে লিক হয়নি এই পাইপের গোড়াটা এগুলো সব টাইট আছে যে এটাও টাইট আছে ঠিক আছে এখানটাও টাইট আছে ঠিক আছে ওটা দিকে লিক করছে ওটা দিয়েই লিক করছে ওটা আপনি বন্ধ করুন আর এর ভিতরে খারাপ মোবিল কিছু নাই তো না কাপড় দিয়ে পুছাপুছি করি মোবাইলটা যখন দিবে না একটু ছাকনি করে ছেঁকে দিতে হবে না পাম্প লাগানো আছে তো এর অন্য লোকের পাম্প থাকে অন্য রকমের এর পাম্পটা ভালো লাগানো আছে আগের পাম্প পাম্পটা অন্য রকম সিস্টেম থাকে সেই সাইডে হেলানো থাকে মাথায় আপনার খোলার কথা কেন ভাবছেন আগে এটা যেটা কাজের জন্য নিয়েছে সেটা তো হোক খোলার কথা ভাবছেন কেন इसमें ऑयल बाहर हो रहा है इसमें जो पंप है पंप पे जो पाइप लगा हुआ है पाइप में लीकेज हो रहा है इसी वजह से ऑयल लीक हो रहा है तो अच्छे से पाइप को हम चेक कर लेते हैं अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं तो इसमें गोंद से पाइप को हम चिपका देंगे और इसमें आपको एक मोटर जैसा पंप देखने को मिलते हैं और दूसरे जो मशीन होता है उसमें पंपर जैसा देखने को मिलते हैं तो घूमने से आगे पीछे होता है इसमें ऐसे नहीं है गियर से पंप फिटिंग है आप बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी यूज़ किए हैं ये मशीन में जितने भी टेक्नोलॉजी यूज़ किया सबसे अलग है मैंने कभी ऐसे पंप नहीं देखे हैं तो आपने जो ऐसे 300 मशीन देखे हैं उसमें हाथों से प्रेस करने पर ऑयल पंप होता है नहीं तो आगे पीछे होने पर उसमें पंपर जैसा ही उसमें पंपिंग होता है इसमें आपको मोटर देखने को मिलते हैं बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ की है हम इसमें पाइप को डेंडाइट फेविक्विक से चिपका देते हैं तो उसके बाद फिटिंग करके आपके साथ शेयर करते हैं तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए इसमें जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ की है बहुत ही अच्छे है मेरे को बहुत पसंद आया और मशीन बहुत ही अच्छे है बहुत अच्छे से चलते भी है आपको एक अच्छे वाला मशीन खरीदना है ये मशीन आप खरीद सकते हो मार्केट में आप जहाँ से खरीदे हो उसमें आपको पेयर पास जो ख़राब होने वाला चीज़ होता है जैसे कार्बन आपको आर्मेचर फील्ड दोनों देख लेना है तो हो सकता है चाइनीज़ वाला भी हो सकता है कंपनी वाला है मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है जो मशीन खरीदा है उसको भी ज़्यादा जानकारी नहीं है वो जहाँ से मशीन खरीदे बोले हैं 6 महीने का वारंटी दिया है उसमें आर्मेचर फील्ड कॉइल मिल जाएंगे मेरे को ये मशीन बहुत पसंद आया आपको हम शेयर कर रहे हैं इसलिए आपको ये मशीन अच्छा लग रहा है तो ये मशीन खरीद सकते हो तो आपके नज़दीक में ये मशीन का फ़ोटो दिखा के डीलर से ऑर्डर कर सकते हो मशीन बहुत ही अच्छे हैं मैं रियल में काम करता हूँ मेरे पास कस्टमर बैठा हुआ है कस्टमर का खुद मशीन लेके आया है तो उसमें जो प्रॉब्लम है वो भी बता रहे हैं तो हम धीरे धीरे करके सभी पेयर पास को अच्छे से देख के अच्छे से रिपेयर करते हैं आपके साथ जो रियल काम है वही शेयर करता हूँ तो मेरा रियल काम आपके साथ अच्छे से शेयर करता हूँ आपको काम सिखाना है तो आपको भी मशीन ऐसे रिपेयर करना है तो सभी पेयर पास को अच्छे से आपको चेक करना है
आपसे जितना हो सकता है आप कोशिश करना उसको बढ़िया से बढ़िया रिपेयर करने की।
এই স্ময়টা আমরা যে গিরিশটাকে চারানোর জন্য আছে বা ওয়েল দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, এরকম কিছু ফাংশন হয়। প্রথমবার দেখছি এরকম ফাংশন হয় না। দেখো আমি এখনো পর্যন্ত মেশিন মে ফিটিংস থোড়া আলাগ হ্যায় আপকো ইসমে এক স্পঞ্জ দেখনে কো মিলতে ওয়েল প্যাড জ্যাসা হ্যায় গ্রিস রহতে হ্যায় তো ইসমে এসে প্যাড দেনে কা ক্যা কারণ হ্যায় মেরে কো পাতা নেই হ্যায় তো প্যাড কো হাম রাখ লেতে হ্যায় ইসমে গ্রিসিং কারনে কে বাদ মেশিন কো ফিটিং করতে হ্যায় তো নয় নয় মেশিন মে নয় নয় টেকনোলজি ইউজ কর রহা হ্যায় তো উসি কা ফাংশন হামে থোড়া সমঝনা হ্যায় তো আচ্ছে সে হামে দেখ কে ভি কাম করনা হ্যায় তো কিউ দিয়া হ্যায় তো হো সকতা হ্যায় ইসকে সাথ ওয়েল গ্রিস কে সাথ रहे तो अच्छे से काम करे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हीट होने पर इसमें जो ग्रीस होता है ना, ग्रीस लिक्विड हो जाए तब उसमें ऑयल पैड में रह जाए। तो क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया मेरे को पता नहीं है, तो दो तीन बार काम करेंगे ना तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी हम दे सकते हैं आपके साथ। तो नए नए जो भी मशीन आता है उसमें टेक्नोलॉजी भी नया होता है, उसमें खोज भी कुछ नए किए हैं, उसमें फिटिंग्स भी बहुत ही अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। मेरे से जितना हो पाता है आपके साथ शेयर करेंगे। मशीन फिटिंग करने से पहले आपको अच्छे से साफ सफाई कर लेना है, उसके बाद आपको फिटिंग करना चाहिए। सभी पेयर पास को अच्छे से साफ सफाई करने के बाद आपको फिट कर लेना है। तो धीरे धीरे करके हम फिटिंग कर लेते हैं। नहीं, मशीन बड़े से फिटिंग हो गया है। तो फिटिंग हो जाने के बाद घुमा के भी चेक कर लेना है, आपको बड़े से मूव कर रहा है, उसमें साउंड भी नहीं आ रहा है, फिटिंग बड़ी से हो गया है। तो मशीन को हम फिटिंग कर लेते हैं।
मैं कैसे हर रोज़ काम करता हूँ उसमें कुछ जुगाड़ से कटिंग करके फिटिंग करते आपके साथ रियल में शेयर किया है। मेरा रियल काम है आपके साथ हर रोज़ शेयर करते, आपको भी ऐसे ही काम करना है। कुछ भी प्यार पास नहीं मिलता है, आपके पास जो भी सामान होता है उसी को आप कुछ कटिंग करके उसको बढ़िया से फिटिंग करके मशीन को रिपेयर कर सकते हो। मैं जैसे हर रोज़ काम करता हूँ आपको ऐसे ही काम करना है तो बड़े से काम कर पाओगे। सभी प्यार पास हमें नहीं मिलते हैं, आपके पास जो भी सामान होता है उसी से खोज करके आपको कुछ काट छाट करके आपको रिपेयर करके देना है तो सभी के लिए अच्छा होगा। मशीन को हम टेस्टिंग कर लेते हैं। দিয়ে সব বেরাবে আপনি মোবাইল একটু নতুন নিয়ে আসুন তোমার এই ইয়ের দোকান থেকে। ওই মেরে পাশ কাস্টমার বেঠা হুয়া হ্যায় উসকো মানে শপ মে ভেজে হ্যায় নে ওয়েল লেনে কে লিয়ে, তো ব্যাক কভার ফিটিং করনে কে বাদ নে ওয়েল ভর কে আপকে সাথ শেয়ার করতে ইসমে পাম্প কাম হো রহা হ্যায়, তো ভিডিও কো আপ আচ্ছে সে দেখিয়ে। তো আপকো এসেই কাম করনা হ্যায়, সবই কাম কো আপকো ধীরে ধীরে করনা হ্যায়, তো বড়ে সে কাম হো জায়েগা। थोड़ा ये जो काम होता है टाइम लगता है, आपका जो अच्छे से काम करना है थोड़ा टाइम देना है तो बड़े से काम कर पाओगे। तो मैंने इसमें कुछ देखे, इसमें जो कैप है ना, कैप में फिटिंग्स भी थोड़ा अलग है। तो कैप में आपको रबर देखने को मिलते हैं, उसमें आपको गिर जाएगा ना तब भी ऑयल बाहर नहीं आएगा, उसमें फिटिंग्स थोड़ा अलग की है आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। तो ऑयल भर लेते हैं, ऑयल जो कैन है, कैन का जो कैप है, कैप आपको देखिए बहुत ही अच्छे से कंपनी तैयार किया है। इसमें आपको रबर देखने को मिलते हैं तो लीकेज नहीं होगा, इसमें आपको एक ऐसे कैप देखने को मिलते हैं तो इसमें एयर बाहर होने के लिए इसमें फिटिंग्स बहुत ही अच्छे दिए हैं, बहुत ही अच्छे आपको कैप देखने को मिलते हैं। तो कैप आपको अच्छा होना है, बढ़िया से फिटिंग रहेगा, उसमें ऑयल भी बाहर नहीं आएगा। तो जितने भी पेयर पास कंपनी यूज़ की है बहुत ही अच्छे हैं, उसमें बहुत ही टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ की है। तो आपको एक अच्छा वाला मशीन खरीदना है तो ये मशीन आप खरीद सकते हो, बहुत ही अच्छे मशीन। तो हम लाइन में देख के चेक कर लेते हैं पंप हो रहा है, इसमें तेल बाहर आएगा।
तेल बाहर आ रहा है, देखा हा? तेल बाहर आ रहा है। দিয়েছে ভালোভাবে লাগাতে পারবে, এটা ঘুরালেই টাইট হবে, ফিটিং হবে, আপনাকে খুলে করতে হয় না ব্লেডটা টাইট, নাহলে সে আবার কুলোরে এই সাইড দিকে ঘুরি ঘুরি করতে হয়, এখানে কাটা থাকে ও নিয়ে যায়, এটা নাই। ঠিক আছে, খুব সুন্দর সিস্টেম কোম্পানি দিয়েছে। এখানে ফিলিং লক, এখানে একটা লক দিয়েছে, এই লকটা দিয়েছে, এখানটা আটানোর জন্য, এটা দেখে চলে যাবে না। ঠিক আছে, ফানসন কোম্পানি খুব সুন্দর দিয়েছে, এটা সাপোর্ট দিয়েছে, দুটো নাট দিয়েছে, এটা টাইট ফিলিং দিয়ে, মানে পুরো মেশিনের যে সিস্টেম খুব ভালো লেগেছে আমাকে। ঠিকই আছে।